हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने खेलों को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार रामराज ठाकुर को घेरा है। कांग्रेस प्रत्याशी रामराज ठाकुर के खेलों पर दिए गए बयान पर अनुराग ठाकुर ने नशों को बढ़ाने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। हमीरपुर में आयोजित जनसभा के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सदा खेलों को कुचलने का काम करती आई है और इसका उदाहरण पिछले कई सालों में हिमाचल से कई बड़े आयोजन खेलों के बारे में कांग्रेस सरकार ने अपने समय में छीने हैं। साथ अनुराग ने प्रियंका और राहुल गांधी पर भी देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर हमीरपुर जिला के सलासी में एससी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा व ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन में पहुंचे थे। उनके साथ विधायक नरेंद्र ठाकुर, मंडलाध्यक्ष बलदेव धीमान, शासन पंचायत की प्रधान राखी जसवाल भी मौजूद रही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने कभी धर्म के साथ आतंकवाद को नहीं जोड़ा है और आतंकवादी का पक्ष भी कभी नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हिंदू आतंकवाद का नाम देने का काम सोनिया और राहुल गांधी ने किया है। उन्होंने कहा कि इनकी सरकार में साबरमती और समझौता एक्सप्रेस के झूठे मुकदमे बने हैं। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने अपने समय में जनता को गुमराह करने का ही काम किया है। उन्होंने कहा कि जितने मर्जी हिंदू मंदिरों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी घूम ले, लेकिन फिर भी जनता इन दोनों का असली चेहरा जान गई है और जिसका जवाब इन चुनावों में इन भाई बहन को देना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी धर्म के साथ आतंकवाद को नहीं जोड़ा। आतंकवादी आतंकवादी है, उसकी गोली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देखकर नहीं किसी को लगती। इसलिए आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी पोजीशन भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी ली और अब भी जीरो टॉलरेंस हमारी आतंकवाद के खिलाफ है। हम अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी करेंगे और देश की राष्ट्र की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। लोकसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल हमीरपुर की नई कार्यकारिणी की घोषणा भी कर दी गई है। इसको लेकर हमीरपुर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष एवं मुख्य संगठक मदनलाल कौंडक मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में ग्रामीण एवं नगरीय स्तर पर संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए विचार विमर्श किया गया। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष मदनलाल कौंडल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र पर भी काम किया जाएगा। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अभी से तैयार रहने की बात कही। साथ ही उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता को अवगत कराने के लिए भी आह्वान किया। और लोगों के दुख दर्द में और काम करने में तो अग्नि है, मतलब काफ़ी एक्टिव हैं, तो साफ सभी हैं, उनकी मिलनसार हैं, लोगों की दुख दर्द को दूर करते हैं। अनुराग के बारे में पार्टी के लिए वफादार हैं और अनुराग जी के बारे में जो वो जैसे मोदी की लहर आप कहीं भी देखने को मिले, मोदी की लहर से जो वो बीजेपी सीटें जीत गई थी, यहाँ से आप मोदी की कहीं भी लहर देखने को नहीं मिल रही है और राहुल जी की लहर चली हुई है यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी को मजबूत होने जा रही है, कांग्रेस पार्टी चारों विचारों सीटें हिमाचल प्रदेश में जीतने। बैठक के बाद नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों में यशपाल सिंह को त्रिराम को उपाध्यक्ष, देवराज कृष्णचंद, अमरनाथ ज्ञानचंद, महेंद्र सिंह कन्हैयालाल को महासचिव नियुक्त किया गया। इसके अलावा कार्यकारिणी में सात सचिव, सात संयुक्त सचिव और अन्य पदाधिकारी भी शामिल किए गए हैं। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जिला बिलासपुर के शाहतलाई बाबा बालक मंदिर से वापस अमृतसर जाते समय श्रद्धालुओं का टेम्पू पलट गया, जिसमें 25 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। इस टेम्पू में लगभग 36 के करीब श्रद्धालु सवार थे। ये श्रद्धालु पंजाब के अमृतसर के उधम सिंह नगर से बाबा बालकनाथ दर्शनों के लिए आए हुए थे। घायल श्रद्धालुओं को समीपवर्ती अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि अमृतसर पंजाब उधम सिंह नगर से आए हुए श्रद्धालुओं के इस जत्थे में तकरीबन 25 के करीब यात्री घायल हुए हैं।
जिनका उपचार स्वास्थ्य केंद्र तलाई में चल रहा है। मौके पर सहायक मेला अधिकारी एवं मैजिस्ट्रेट पूर्णचंद कौंडल भी अस्पताल पहुंचे। पुलिस थाना तलाई को सूचना मिली, पुलिस की टीम भी थाना प्रभारी श्यामलाल की अगुवाई में मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत घायलों को पुलिस की गाड़ी व अन्य प्राइवेट गाड़ियों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तलाई पहुंचाया, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के कबड्डी स्टार और पद्मश्री से सम्मानित डीएसपी अजय ठाकुर विवाह सूत्रों में बंध गए हैं। उनका विवाह बड़ी ही धूमधाम के साथ नालागढ़ के उनके पैतृक गांव दबोटा में संपन्न हुआ। अपने विवाह में अजय ठाकुर ने दोस्तों के साथ पंजाबी गानों पर जमकर भंगड़ा भी डाला। अजय ठाकुर की बारात जोधा के जगतपुर तक गई थी, वहां पर उनका विधिवत रूप से संदीप राणा के साथ विवाह हुआ। सात फेरे संपन्न करने के बाद रात के समय रिसेप्शन पार्टी भी आयोजित की गई। अजय ठाकुर को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने उनको पशुराम अवार्ड भी दिया है। अजय वर्तमान में हिमाचल प्रदेश पुलिस में बतौर डीएसपी तैनात हैं और इस समय बिलासपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।